राहुल पिता विनोद निवासी गोंदिया बिजली के बिल में स्थायी वारंटी था, जिसको लेकर पुलिस कई समय से ढूंढ रही थी और एक दिन स्थायी वारंटी राहुल पिता विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी तब घर वालों ने ले जाने से मना किया। पुलिस ने नियम का पालन करते हुए घर वाले सदस्यों को बोला, हमारा नियम है, उस नियम के अनुसार चलना हमारा दायित्व है, हम न्यायालय में पेश करेंगे जो कि स्थायी वारंटी है। जब पुलिस वालों ने गलत बात परिवार वालों को नहीं मानी तो क्या हुआ देखिए। उज्जैन नीलगंगा पुलिस स्टेशन पर हवालात के अंदर स्थायी वारंटी बंद था, उसके परिवार वालों ने जमानत करवाई। जमानत होने के बाद थाने से परिवार वाले स्थायी वारंटी को घर ले जा रहे थे, उसी दौरान वारंटी शराब का आदि था। रास्ते से शराब लेकर कई यात्री प्रतीक्षालय पर पी रहे थे, उसी दौरान सीने में दर्द हुआ और वो शांत हो गए। लेकिन पुलिस वालों के ऊपर परिवार का गुस्सा था, क्योंकि जब गिरफ्तार किया था उस समय पुलिस वालों ने नियम के विरुद्ध कार्य नहीं किया, तो आज पुलिस पर परिवार वालों ने मारपीट का आरोप लगा दिया और उनकी मृत्यु का कारण पुलिस पर लाद दिया है। जबकि एफएसएल अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल से शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। यदि पुलिस ने वारंटी के साथ मारपीट की है तो फिर उनके शरीर पर चोट के निशान डॉक्टर के अनुसार क्यों नहीं पाए गए? आगे जांच के बाद ही पता चलेगा पुलिस की मार की वजह से या हार्ट अटैक में या फिर शराब के नशे में वारंटी की मृत्यु हुई है। सर, ये किसान है गोविंद प्रजापत, इसका बिजली का बिल बकाया है 10 साल का, जिस पे पुलिस केस बना हुआ है, पुलिस वारंट निकाला उसका, गिरफ्तारी वारंट निकाला है। तो रात को पुलिस नीलगंगा पुलिस जाती है उसके घर पे और किसान नहीं मिलता है कि उसके बेटे को उठा के लाती है। पूरी रात थाने में उसको रखा है और इसके बाद में सुबह उसका बेटा है जमानतदार राहुल, पिता विनोद सिंह राजपूत निवासी मुंडा सिलवान, जमानत के थाने लेके आता है तो कोर्ट से उसकी जमानत करवाते हैं। जमानत करने के बाद में सीधे थाने पर आते हैं, क्योंकि वो सुभाष उनका बेटा था किसान का, उसका मोबाइल जब्ती में था, मोबाइल लेने थाने पे गए थे। तो सुभाष और जो दूसरे अन्य मुलजिम साथ में थे उनसे परिचय था, तो सुभाष से उनने पानी मांग लिया था कि बाटर पानी दे दो दूसरे मुलजिम ने। तो वहाँ जो ड्यूटी पे थे, एक सिविल में था, स्काउट में, मामला ये है कि एक विनोद है जो अपने साथी सुभाष, जो वारंटी है, स्थायी वारंटी अभियान चल रहा था, उसको नीलगंगा पुलिस ने पकड़ा था। तो उसका मोबाइल थाने में छूट गया था, तो वो थाने में मोबाइल लेने के लिए और वारंटी के साथ आए हुए थे। तो इसी दौरान वारंटी के साथ मोबाइल वोबाइल लिया उन लोगों ने, उसके बाद वो लोग वापस अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने जो अभी तक जाँच में आया है, इसी कलाली में दारू पी और पीने के बाद वो लोग गए तो गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षालय है, तो वहाँ पे वो लोग रुके। कुछ समय बाद उसको सीने में दर्द हुआ, उल्टी हुई, शिकायत हुई, तो उन लोगों ने देखा तो उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। उन लोगों ने सूचना की 108 को, संबंधित थाने को, जो चिंतामण थाना है, तो चिंतामण थाने से हेड साहब गए, उन्होंने देखा और उसको सीएच भिजवाया। उसके बाद घर वालों का ये आरोप लगाया गया रात को ही कि इसके साथ नीलगंगा थाने में मारपीट हुई। इसी संबंध में मैं भी वहाँ घटनास्थल पर गया और घर वालों को लेके और सीएच आया, जहाँ पे उनको मृतक की डेड बॉडी दिखाई गई बिना कपड़ों के। उसके चाचा देवेंद्र और उसके घर वालों ने बॉडी देखी, उस पर उस समय कोई चोट के निशान नहीं थे। उनके द्वारा कहा गया कि ये पीएम जो है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और वो कराया जाए, तो अभी आप देख ही रहे हैं पीएम चल रहा है डॉक्टर के निर्देशन में और वीडियोग्राफी कराई जा रही। इनका आरोप है कि नीलगंगा थाने में उनके साथ कुछ मारपीट हुई है, तो उस संबंध में जाँच की जाएगी, निष्पक्ष जाँच की जाएगी। इनके द्वारा जो भी जिसके ऊपर जो भी समय है, जिस यदि कोई पुलिसकर्मी नामजद है उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। क्या शराब की बाटल भी कोई जब्त हुई है? हाँ, वो एफएसएल मैडम ने बताया कि शराब की बाटल भी जो गोंदिया फंटा है वहाँ पे जब्त हुई है।